जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण के लिए पहुंचेंगे। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचा भद्रवेदी है। और ये भद्रवेदी जो है, ये भद्रवेदी इसलिए वहां पर बनाई गई है कि जिससे इस भव्य आकार को और दिव्य दिया जा सके। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे इस प्रतिमा के शीर्ष बिंदु तक पहुंचने वाले हैं। उस शीर्ष बिंदु पर पहुंचने के बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के साथ साथ वहां पर आराधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस मूर्ति को लोकार्पण करेंगे समूचे राष्ट्र के लिए, समूची मानवता के लिए। विशिष्टाद्वैत की अगर बात करें तो आचार्य शंकर के बाद उन्हीं के अद्वैत सिद्धांत को तार्किक रूप से और शोधित करते हुए विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य ने, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का भी उन्मूलन उन्होंने किया। रामानुजाचार्य जी की ही शिष्य परंपरा में रामानंद रहे। रामानंद जी की ही शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास और तुलसीदास जैसे महान विभूतियों का नाम है। और अगर देखें तो इन पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन की अगर जो बात करते हैं, उसके प्रवर्तक के रूप में भी रामानुजाचार्य को देखा जा सकता है। और बेहद विहंगम दृश्य, सूर्य अस्ताचल की ओर समूचा नभ इस समय इस अद्भुत विहंगम क्षण का साक्षी बनने के लिए समूचा क्षेत्र, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और विश्व कल्याण की कामना करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की कामना को साकार करते हुए, संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसि जानताम की संकल्पना को साकार करते हुए, और अंततः राष्ट्र निर्माण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मपरायण स्वरूप में पहुंच रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक, संत, महापुरुष, महान समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रधानमंत्री इस समय भद्रवेदी पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 36 हाथियों को इस भद्रवेदी पर स्थापित किया गया है, और इस स्वर्ण कमल जैसी सदृश पंखुड़ियों पर भगवान की ये पूरी मूर्ति है। और भगवान रामानुजाचार्य यहाँ पर पद्मासन की मुद्रा में है, और विशिष्ट मुद्रा उनकी जो है वो आराधना करती हुई मुद्रा है। और अपने आप में ये मूर्ति और ये पूरा का पूरा प्रांगण, पूरा का पूरा परिसर विशिष्ट रूप में अलौकिक और आध्यात्मिक संचेतना से आपको भर देगा यहाँ पर आने पर। और भगवान रामानुजाचार्य की जो वहाँ पर प्रतिरूप है, इस मूर्ति के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है, उसकी आराधना कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्म परायण रूप में भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी को, जो कि भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले, समता के सिद्धांत को स्थापित करने वाले और साथ ही साथ सभी का एक समान ईश्वर और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को समाप्त करने वाले क्रांति दूत के रूप में रहे रामानुजाचार्य। दक्षं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् प्रतिष्ठितः अस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। मंगला शासन परेर्मगा
यह कार्यांजलि है और साथ ही साथ समता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है समता मूलक।